नहीं नहीं देखिए मैं एग्जीपल के ऊपर बोलना, मैं तो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और ग्राउंड में काम करता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ का छोटा कार्य करता हूँ। इस बार 400 की ओर जा रहा है, 400 की ओर जा रहा है, वो दो पांच सीट इधर उधर हो सकता है लेकिन 400 के आसपास ही हमारी सीट रहेगा। और बंगाल में पिछले टाइम जो सीट आया था 2018 में उसमें उससे ज्यादा सीट मिलेगा और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे रहेगा। वो तो छोड़ दीजिए उसका, वो तो उसको उनको 4 तारीख सुबह 8 बजे तक ये सब बात बोलना ही चाहिए, नहीं तो काउंटिंग में कोई नहीं जाएगा। काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को भी बोलना पड़ेगा हम लोग 200 सीट में जीत रहा। काफी हिंसा हुआ, काफी संदेशखाली में ब्रूटली इंजोर्ड पार्स वन आवर वर्कर्स में किल मैंने डेथ, बहुत बहुत अत्याचार हुआ। वेस्ट बंगाल बीजेपी की ओर से डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का हंड्रेड्स ऑफ बूथ में रिपोल का मांग हम कर रहे हैं। और जो रोल आज का इलेक्शन में काल और आज स्टेट पुलिस ने लिया है ये राजनीति से प्रेरित है। और पूरा दिन सीएपीएफ को ये लोग मिसगाइड किया, सीएपीएफ बहुत एक्शन लेने का कोशिश किया प्रॉम्प्ट एक्शन, लेकिन उसको स्टेट पुलिस ने नॉन कोऑपरेशन किया और इतना हिंसा पूरा दिन हुआ। इसके लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल पुलिस है जिनको सब लोग बुलाता है ममता पुलिस, नॉट वेस्ट बंगाल पुलिस, नॉट कोलकाता पुलिस। मेजर फलता असेंबली आउट ऑफ 260 मोर देन 200 बूथ ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी और लीडर मिस्टर सुशील वाजपेयी विल सेंड ए ऑफिशियल रिकमेंडेशन एंड डिमांड टू ईसीआई टू डेज नाइट ऑल्सो। एंड आफ्टर द अदर देन फलता ए लार्ज पोर्शन ऑफ बूथ ऑफ डायमंड हार्बर असेंबली सेगमेंट। सुबह मेरा एक संडे लैब देख लीजिए, कम से कम 700 से 800 वेबकास्टिंग कैमरा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ईसीआई इंस्टॉल किया गया है, नॉन फंक्शनिंग था। किस लिए नॉन फंक्शनिंग था? बंगाल में तो वेबकास्टिंग कैमरा मैंडेटरी है, 100% मैंडेटरी है। ईवीएम खराब होने से टेक्निकल ग्राउंड में ईवीएम चेंज तक उस बूथ में चुनाव स्टॉप रहता है। जो अपलाइन हो गया है उसका दौरान जो चुनाव हुआ वोटिंग हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसका छोड़ के भी सुबह जो पोलिंग एजेंट घुसा था खास करके बीजेपी का, पूरा प्रदेश में जो नॉर्थ क्षेत्र था और एक बाई इलेक्शन था उसमें हंड्रेड्स ऑफ बूथ से पोलिंग एजेंट को मार के पीट के खास करके मुस्लिम बहुल एरिया में ये सब हुआ है। हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया गया है खास करके डायमंड हार्बर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हाँ हिंदुस्तान में हिंदू लोग को वोट डालने नहीं दिया। आप तो आपका कैमरा लेकर ए एन आई चला जाइए ना कल सुबह सुबह, फलता का हार हिंदू बहुल ग्राम में चला जाइए, डायमंड हार्बर का हिंदू बहुल ग्राम में चला जाइए। मेरा जो एलिगेशन वो एलिगेशन कितना सही है कितना झूठा है, दूध का दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना 100% निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, सीएपीएफ को काम करने नहीं दिया गया है। उसका बाद भी भाजपा अच्छा रिजल्ट करेगा, सब मिला के 7 चरण मिला के हमारा सीट का जो नंबर वो 2018 का सीट का नंबर और टीएमसी से ज्यादा रहेगा। बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ थोड़ी देर बाद, आप बहुत इंसिडेंट टीएमसी का लीडर लोग ने फायरिंग किया, हमारा छोटेन सरदार बोल के एक मेरा पास अनऑफिशियली आया है, डेथ हो गया है, कुछ लोग तो घायल हो गया, घनश्याम हल्दार कायूम मुल्ला हमारा माइनॉरिटी वर्कर सब बहुत बुरी तरह से घायल हो, उसको कलकत्ता आ रहा है और सिचुएशन